ऑनलाइन होते हुए भी किस तरह से आप ऑफलाइन देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे अभी ऑनलाइन है और इसको ऑफलाइन दिखाने के लिए आपको। सो हाई गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस इस वीडियो में ना हम जानेंगे अगर आप ऑनलाइन हैं और वो सबको पता चल रहा है, अगर आप ऑनलाइन रहते हैं तो आपके फ्रेंड को पता चल जाता है कि भाई आप ऑनलाइन हैं, या फिर कोई भी हो उसे पता चल जाता है कि आप ऑनलाइन हैं। क्या आप ये नहीं कर सकते हैं, आप ऑनलाइन होते हुए भी किसी को ऑनलाइन ना देखें? मेरे कहने का मतलब है ऑनलाइन होते हुए भी ऑफलाइन कैसे आप देख सकते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे ना मैं आपको अपनी चैट वाले सेक्शन में आपको दिखा दे रहा हूँ। गाइस देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन टिक दिख रहा है, इसका मतलब है ये ऑनलाइन है। और गाइस ये मेरा ही अकाउंट है, यहाँ पे अगर मैं अपने सेकंड अकाउंट पे स्विच करता हूँ तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे अभी मैं ऑनलाइन हूँ। जैसे कि मैं अभी ऑनलाइन हूँ तो मैं इस वाले अकाउंट से है जो है अभी ऑनलाइन हूँ। अगर मैं दूसरे अकाउंट पर जाता हूँ तो यहाँ पे ना मुझे जो है ऑनलाइन दिख रहा है, तो इससे ना मुझे पता चल रहा है कि ये बंदा जो है अभी ऑनलाइन है। ये मेरा ही अकाउंट है, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं ऑनलाइन मुझे दिख रहा है। तो किस तरह से आप ऑनलाइन को जो है बंद कर सकते हैं, तो गाइस हम जाएंगे अपने सेकंड अकाउंट पे, और इसका ऑनलाइन बंद करने के लिए आपको प्रोफाइल पे जाना होगा। ये चीज़ आपको अपने अकाउंट पे करना होगा, ठीक है? मेरे पास दो फ़ोन नहीं, इस वजह से मैं आपको एक ही फ़ोन में करके दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको उस अकाउंट पे चले जाना जिस अकाउंट में आपको अपना ऑनलाइन स्टेटस हाइड करना है। तो उसके बाद प्रोफाइल पे जाने के ऊपर थ्री लाइन्स पे क्लिक करना, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। नीचे आपको जाना है मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाई, आपको इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको सो एक्टिविटी स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है। और सिंपल आपको क्या करना है, आपको इसे ऑफ कर देना है, बस आपका काम हो गया। बस इसके बाद ना ये मेरा अकाउंट है, और अब हम चलते हैं अपने मेन अकाउंट पे, और मेन अकाउंट पे जाएंगे तो देखते हैं यहाँ पे दिखता है एक्टिव स्टेटस या नहीं। तो गाइस अभी यहाँ पे दिख रहा है, तो एक बार हम थोड़ा रिफ्रेश करेंगे और ऐप को क्लोज करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो एक बार हम ऐप को क्लोज करेंगे, ऐप को क्लोज करने के बाद अब हम इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मुझे कोई भी जो है इसका ऑनलाइन स्टेटस कहीं भी नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन है या नहीं, जबकि मैं अगर यहाँ पे जा रहा हूँ पहले ये काफ़ी देर तक ऑनलाइन दिखता था। तो गाइस अभी मैं इस अकाउंट पर जो है ऑनलाइन हूँ, देख सकते हैं ऑनलाइन हूँ। और मैं जाऊँगा अपने सेकेंड अकाउंट पर तो यहाँ पर ऑनलाइन नहीं दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन नहीं दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से जो आप अपने आपको जो है ऑनलाइन होते हुए भी ऑफलाइन दिखा सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।